हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ घर से जो समस्या जुड़ी रहती है सबके, जो इस तरह के बच्चों के कॉपी किताब होते हैं उलट पलट हो जाते हैं कार्डबोर्ड वगैरह से, और जो कपड़े होते हैं बास्केट में अच्छे से नहीं रह सकते हैं, नहीं रह पाते हैं, तो एक निकालो तो 10 निकल जाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही उपयोगी टिप्स लेके आई हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। ये देखिए, मैंने एक पिलो कवर ले लिया है और उसमें मैंने हैंगर इस तरह से डाल दिया है, और अब मैं छोटे बच्चों के कुछ कपड़े लेके अपने बच्चों के कपड़े को इस तरह से, जो सिर्फ पैंट वगैरह है, अंडर गार्मेंट है, तो मैं इसे इस तरह से एक छोटे छोटे कपड़े को मैं एक पिलो कवर में रख दे रही हूँ, ऑर्गेनाइज़र जैसा आप कह सकते हैं इसे। तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल जीरो पैसा खर्च किए ही आपका बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। ये देखिए, आप चाहे तो ऐसे लॉन्ड्री बैग के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं नेक्स्ट पिलो कवर ले रही हूँ फ्रेंड्स, और इसे दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं इसका भी ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाऊँगी कि कैसे आप इसको भी अच्छे से अंदर के साइड हमें इसको फोल्ड करना है। पहले अंदर के साइड अच्छे से इसके बराबर का हो, ये देखिए ऐसे अच्छे से दोनों साइड से बराबर से ऐसे फोल्ड करना है। तो ये मेरा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब मैंने बाहर की साइड फोल्ड कर दिया था, तो मैं इसे अब अंदर के साइड फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड कर देना है, और आप चाहें तो इसे इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें एक बच्चों के जो पुराने बुक्स होते हैं उसके कूट को मैं निकाल दिए हूँ, और निकालने के बाद इसका यूज़ कर रही हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए, और ये एक बढ़िया सा रख इसका अंदर से अच्छा से ये स्टैंड हो जाएगा फ्रेंड्स, खड़ा हो जाएगा, तो इसे अच्छे से हमें इसके अंदर अच्छे से जो भी हमें रखना है कपड़े वगैरह या फिर बुक्स वगैरह, तो हम इसे अच्छे से हम रख सकते हैं। ये देखिए, में काफ़ी जगह है फ्रेंड्स, तो हम अपने बच्चों के जो पुराने बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जो हमारे कार्डबोर्ड कबर्ड में अलमीरा वगैरह बच्चों के जो होते हैं उसमें बुक्स जो हम रखते हैं तो वो अच्छे से नहीं रख पाते हैं, तो मैं इसे इस तरह से रख दे रही हूँ। तो चाहे आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कपड़े वगैरह रख सकते हैं, या अदर कुछ भी आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कवर, जो हम अपने घरों में अक्सर पुराने कुशन कवर का यूज़ नहीं करते हैं उसे भी रख देते हैं, तो आज मैं इससे भी इस तरह से फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि कैसे इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम एक ऑर्गेनाइज के जैसा। तो मैंने इस तरह से एक हैंगर एक ले लिया है, और इस हैंगर को मैंने बीच कुशन के बीच से इसे डाल दिया है, और अब ये देखिए इस तरह से हमारा दोनों साइड एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, दोनों साइड ही आप चाहे तो इसमें अपने कॉस्मेटिक वगैरह के कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कुछ बच्चों के जो छोटे छोटे दवाइयाँ वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, तो मैंने इसे इसमें रख दिया है, तो ताकि ईजिली हमें मिल सके, और ये बच्चे लोग इसे छू भी नहीं सके। ये इसे हम ऑर्गेनाइज करके अपने कबर्ड वगैरह में अच्छे से रख सकते हैं, ताकि बच्चों के हाथ ना लगे मेडिसिन वगैरह। तो इस तरह से मैंने सेफ्टी पिन ले लिया है, और सेफ्टी पिन को मैं इसके किनारों पे मैं लगा दे रही हूँ कि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए फ्रेंड्स। दोनों साइड हमें इसे लगा देना है सेफ्टी पिन की मदद से, और हमारा एक और ऑर्गेनाइज तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए, नेक्स्ट पिलो कवर का मैं क्या करूँगी बताऊँगी कि मैं देखिए इस तरह से सारा ऑर्गेनाइज करके दिखा दी हूँ। मैं एक साइड मैंने मेडिसिन रखा है, और एक साइड मैंने कुछ कॉस्मेटिक वगैरह रखा है, तो आप चाहें तो
कुछ और भी रख सकती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, या फिर पेपर वगैरह भी आप इसमें रख सकती हैं। मेडिकल पेपर वगैरह आ सकता है इसमें, छोटे छोटे बच्चों के का जो आता है। और अब हमारे पास कुछ कुशन कवर और बचे हुए फ्रेंड्स, पुराने हैं जो, तो उसका भी मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ कि इसमें क्या, इसका हम कौन सा ऑर्गेनाइज तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारे मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं जो अक्सर आयरन करके जो आते हैं, तो कबर्ड में जगह ज़्यादा नहीं होता है, तो हम इसमें इस तरह से रख देते हैं। ये सेफ्टी रहता है फ्रेंड्स, और इसे हम चाहे तो बाहर भी अच्छे से किसी दूसरे कबर्ड में अच्छे से रख सकते हैं, ताकि ये गंदा ना हो और इसमें डस्ट वगैरह बिल्कुल ना पड़े। तो ये बहुत ही सेफ्टी चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है फ्रेंड्स, तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। जो कवर होते हैं पिल्लो के, तो उसका इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप ज़रूर करें इसका इस्तेमाल। और नेक्स्ट है मेरा एक और पिल्लो कवर है, मैं इसका भी ऑर्गेनाइज बना के दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि मैं और भी इसमें क्या रख रही हूँ। तो अगर आपके पास भी बहुत सारे इस तरह के जो पिलो कवर बेकार पड़े हुए हैं, तो इसका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी यूज़फुल है, तो आपके बहुत ही काम आने वाली है ये वीडियो। इस तरह से देखिए, मैंने एक साड़ी ले लिया है। अक्सर क्या होता है ना कि सिंथेटिक साड़ी जो हम लेते हैं, तो वो अच्छे से फोल्ड होने के बावजूद भी फिर भी वो कहीं कहीं से सरक जाते हैं इस तरह से, तो हम इसमें फोल्ड करके इसे ईज़िली सेफ करके रख सकते हैं। कॉटन साड़ी का क्या है फ्रेंड्स कि कॉटन साड़ी एक जैसा ही रहता है, अच्छे से फोल्ड किया हुआ रहता है, और सिंथेटिक साड़ी को हमें फोल्ड करने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो एक बार इस तरह से फोल्ड करके हम इसमें रख देंगे, तो हमें जो अलमारी वगैरह से कपड़े निकालने में जो दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कत नहीं आएंगी, और हमारा जो कपड़ा है वो सेफ़ रहेगा। इस तरह से मैं दोनों सेफ है कपड़े फ्रेंड्स, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं पुराने पिलो कवर का। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना इस तरह की जुड़ी हुई। और नेक्स्ट है हमारा एक इस तरह से पिलो कवर का, मैंने आधा भाग निकाल दिया है और इस तरह से किचन में मैंने इसे रख दिया है। अगर आपके भी बर्तन गीले रहते हैं, तो इस तरह से धो के उन्हें ईज़िली इसमें सुखाया जा सकता है। तो ये देखिए, आप चाहे तो इस तरह से रख करके इसमें ऑर्गेनाइज जैसा इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। और दूसरा हमारा है एक और इस तरह से, मैंने हाफ कवर पिल्लो का जो था, एक मैंने बर्तन रखने के लिए किया है, और एक मैंने इस तरह से इसका एक यूज़ में इस तरह से करूँगी। ये देखिए, इसका फीस से हमें कवर कट कर देना है, स्क्वायर टाइप का मैंने कट कर दिया है, और ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है फ्रेंड्स। और अब मैं इसे फोल्ड कर दूँगी, ताकि आपका जो ये कुशन पिलो कवर है, तो वो आपके किचन में दूसरा काम भी कर सके। तो मैं इसे इस तरह से हाथ में पकड़ के इसे गर्म चीज़ वगैरह जो कढ़ाई वगैरह है उसे ईज़िली हम पकड़ सकते हैं, ठंड गर्म चीज़ को, तो इसका भी यूज़ किया जा सकता है फ्रेंड्स इस तरह से पुराने पिलो कवर का। और जो गर्म गर्म रोटियां होती हैं उसे भी इससे सेक सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस तरह की बहुत ही यूज़फुल टिप्स मैं आगे वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू।